का जो है अभी तकरीबन डेढ़ दो घंटे का जो है प्रोग्राम है बीता है, लेकिन मैं बेनती करेंगा कि आप जी सारे अभी बड़े आराम न चलना है और स्लो स्पीड में अभी सतवारी तक ये प्रोग्राम लिखना है। असं अज का यह सारा संदेश पूरी दुनिया के बीच देना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार से पंजाब की सरकार को देना चाहते हैं कि सिख कौन हो तो वो खामोश तमाशा ही बन के बर्दाश्त नहीं करेगा, भावे किसी भी पार्टी वाबस्ता हो किसी पार्टी ना भी हो। कुछ सालों तक
और यह साजिश इतनी खतरनाक सी कि जिसनों असी पंथक सरकार कहते हैं उसमें आरएसएस ते बीजेपी वाले नाल मिलके सिख कौम नू जड़ों पुटन दी एक साजिश बनाई और सिख कौम दा नानक शाही कैलेंडर दा कतल किया। उस तो बाद हिंदुस्तान दे संविधान दे विच अज तक जान करके सिख कौम नू कोई मानता नहीं दिती गई और बल्कि इसनू हिंदू कौम दा एक हिस्सा जबरदस्ती आख्या जांदा है जदों के दसम पातशाह ने अमृत छका के और इन्निया भारिया कुर्बानियां अपना सारा सरबंस कुर्बान करके एक आजाद तो स्वतंत्र कौम काम की सी जिस कौम के दो मुकम्मल राज दे हुए ने इस देश की धरती के उत्ते जदों इन्हां दे कहण वाले बड़े बड़े बहादुर रजवाड़े पहाड़ दियां खुंदरां विच लुक गए सन उदों बंदा सिंह बहादुर ने नंदेड़ की धरती तो दसम पातशाह की बख्शिश प्राप्त करके उन्हां दा मिशन पूरा करदे हुए पूरे पंजाब दे विच खालसे नूं इकट्ठा किया। और यह सरहंद नहीं इसका नाम सर हिंद सी जिस तरह दिल्ली नूं दिल हिंदुस्तान का दिल कहिंदे ने किसे वेले यह सरहंद नूं हिंदुस्तान का सर कहिंदे सी उस हर उह जिहड़ा हिंदुस्तान का सरहंद सी सूबा सरहंद दी हिक ते आ के बंदा सिंह बहादुर ने खालसाई निशान झोलिया और पहला सिख राज कायम करके ऐलान किया गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के नाम का सिक्का जारी किया। और उस तो बाद 12 मिसलां ने इकट्ठे होके आप जी नूं पता होवे कि इस दिल्ली के लाल किले के उत्ते सरदार जसा सिंह सरदार बघेल सिंह ने 17 वारी जाके खालसाई राज का निशान चलाया। रोस प्रगटावा तुसीं सारिआं ने मिलके कीता है इस गल दा सबूत है कि हर सिख दा दर्द ते दिल बलुंद रह गया है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेहुरमती दे नाल। मैं जकारे राही शुरू करांगा जकारे दा जवाब दे के पंजाब सरकार ते दिल्ली सरकार नूं इह सुचेत कर देणा तुसीं कि सिख शेरां दी कौम है ते जे इहदे नाल इसे तरह इहनूं इहदी अणख नूं ललकारिया गया ते कदे वी बर्दाश्त नहीं करेगी। अज यह सोची समझी साजिश के तहत यह एक व्योंद घड़ी गई जिस व्योंद मैं समझदा कि पूरा जगत जड़ा विश्व जड़ा वह दुखी है हर सिख का हर खालसे का हर उस शख्स जड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सांझी वालता में यकीन रखता है ओदा दिल बलुंद रह गया है। असी जिस तरह के बाकी धर्मों की इज्जत की जाती है असी समझते हैं कि हमेशा ही दिल्ली गवर्नमेंट नूं भी सोच लेना चाहिए है जे कि साजिशां करन नाल कौम कमजोर हो जाएगी तो यह उन्हां दा भुलेखा है। इस वास्ते अज का जरा ढा रोस प्रगटावा है ये रोस प्रगटावा इस गल का जाहिर करता है कि सिख कौम जी है वह अणख नाल जींदी है ते अणख नाल ही मरन नूं हर वेले तैयार है। मैं अपने नौजवान वीरां नूं इह गल कहांगा अपने संगठन बना के इस गल की तैयारी रखन के जड़ी
सरबत खालसा बनाया जा रहा है। सरबत खालसे दे विच इत्थों हम हुण आ गए असी उत्थे अपनी हाजरियां भरिए तां कि पूरी कौम विश्व भर दे विच इह जागरत हो जावे कि सिख कौम जिउंदियां दी कौम है। इह अपने धर्म ते वार कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर पूरी ही संगत नौजवान सभावां दा मिशनरी कॉलेज दा सिख स्टूडेंट फेडरेशन इस्तरी सत्संग बीबियां दे जथे ते सारे भाई इस गल्लों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी जो है हरमती ते एडा इकट्ठ करके अपना रोस प्रगटावा किया है ओदे वास्ते मैं जिथे उन्हां नूं वधाई दिंदा हां उथे उन्हां दा धन्नवाद भी करदा हां। इस वास्ते अगे भी जोड़ा कोई प्रोग्राम लिखा जाएगा जिस तरह असी हुण तुहानूं सारियां नूं अगाह किया है सारिया ही सोसाइटियां नूं जथेबंदियां नूं इसे तरह जदों अगे कोई गुरबाणी देण दा भी वेला आवेगा इह इतिहास गवाह है कि सिख कौम ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेहरमती कदे भी बर्दाश्त नहीं की। नानक शाही कैलेंडर जिहड़ा के मूल कैलेंडर है वह इत्थे लागू किया जाएगा। खालसा पंथ इथे आके बड़िया सिफतां करके साडियां चली जांदे ने लेकिन इन्हां नूं इह नहीं पता कि जिसले सिख कौम जम्मू कश्मीर दी जिन्नी एक परपक्ष है अपने धर्म ते इन्ना के स्पीड भी रखती है जोश भी रखती है ते खालसा ही जलो जलाल भी रखती है। तो मैं इस वास्ते तुहानू यह याद करा दिया कि जदों हरिमंदर साहब की बेहरमती की जान लगी जदों महाराज का सरोवर जिहड़ा सीगा वह भरिया जान लगा तो बाबा दीप सिंह जी ने अरदास करके शहीदियां प्राप्त की। साडा इतिहास साडा विरसा है असी उस विरसे भुल नहीं सकते ये हमेशा ही असी अपने विरसे नाल जुड़े रहांगे। दस देना चाहते हैं दिल्ली गौरमेंट नी पंजाब गौरमेंट नी के अगर उन्हें दोषियों पकड़ के उन्होंने सख्त तो सख्त फांसी की सजा ना दी गई तो यह एजिटेशन होर पहेगी पंजाब च की दिल्ली च की जम्मू कश्मीर च की विश्व भर के एजिटेशन पहेगी। इस वास्ते मैं हूँ सारे ही अपने नौजवान वीर का मातावां भैणां बजुर्गां दा इस गल की वधाई देना हाँ उन्होंने कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेहरमती ना बर्दाश्त करते हुए एडा वड्डा इकट्ठ किया है। धन्यवाद भी करता हाँ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्टेट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड की तरफों गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव से ऐतकी असी नगर कीर्तन भी कर रहे हैं जिहड़ा के पहला नहीं सी निकलता। तो मैं हुण जावा समा ना लांदा होया सारिआं नूं अपील करांगा कि जकारिआं राही अपने पंथ दे जकारिआं दे राही अपने अपने तुसीं घरां नूं जाने पाओगे अते फिर जे किते कोई ओह जी भीड़ा बनी तो फिर असी इकत्र हो गए अपने रोस प्रगटावे ते जे किते कुर्बानियां भी देनियां पईआं ते पहले असी अगे होवांगे जिहड़े कि असी तहसीलदार बने दे आ। बोल सनेह
ਖਾਲਸਾ।